बात करते हैं खूंटी की। खूंटी में भी जंग काफी दिलचस्प है। खूंटी का अपना इतिहास रहा है और खूंटी में इस वक्त जो दबदबा दिख रहा है दो भाइयों का, क्योंकि कालीचरण मुंडा यहां से सांसद है कांग्रेस की टिकट पर और नीलकंठ सिंह मुंडा भी सिटिंग विधायक है बीजेपी की टिकट पर। दोनों भाई है यहाँ पर। अब नीलकंठ सिंह मुंडा के साथ यहाँ पर जेएमएम ने उतार दिया है राम सूर्य मुंडा को। तो राम सूर्य मुंडा क्या कमाल कर पाएंगे, साथ ही जेएलकेएम का कितना प्रभाव यहां दिखेगा। यहां से जेएलकेएम के प्रत्याशी अनिल कुमार हैं, तो काफी दिलचस्प मुकाबला ये नजर आ रहा है खूंटी में। रंजन जी, खूंटी की सीट पर कैसा मुकाबला और कैसा रण नजर आ रहा है? देखिए, अगर खूंटी में विधानसभा चुनाव को देखिए तो जो पिछले 5 चुनाव हुए हैं वो पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में हुए हैं और नीलकंठ सिंह मुंडा ने 5 अवसर पर जीत हासिल की है। लेकिन इसके लिए खूंटी है क्या, इसको थोड़ा हम इतिहास के नजरिए से और रिकॉर्ड्स के नजरिए से समझने की कोशिश करें तो शुरुआती दौर जो खूंटी का था उस वक्त यहाँ पर झापा का दबदबा था। जब झापा का मतलब झारखंड पार्टी का दबदबा कम हुआ तो कांग्रेस ने उसकी जगह ली और कांग्रेस लंबे समय तक जो है यहाँ पर जीतता रहा। और जब आप ओवरऑल बात कीजिएगा तो कांग्रेस जो है 7 बार ये सीट जीत चुका है जबकि बीजेपी ने 5 बार सीट जीती है। मतलब बीजेपी को खूंटी में विधानसभा चुनाव में पहली जीत का स्वाद 2000 में मिला और वो नीलकंठ सिंह मुंडा ने ही दिलवाया और वो 5 चुनाव फिर रेगुलर जीतते चले गए। तो इससे ये लगता है कि यहाँ कांग्रेस के प्रति लोगों का एक आकर्षण रहा है और वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अगर आप 1985 से भी देखें तो 5 बार बीजेपी ने जीता है और उससे पहले आप जाएंगे तो 3 बार कांग्रेस ने जीता है। सुशीला क्रिकेटा कांग्रेस की विधायक हुआ करती थी, 3 बार लगातार उन्होंने यहां से चुनाव जीता था। तो कांग्रेस की एक पकड़ थी। जब 2000 में नीलकंठ सिंह मुंडा आए चुनाव लड़ने उस वक्त भी जो उनका मुकाबला हुआ था वो सुशीला क्रिकेटा से ही हुआ था, कांग्रेस की थी। इसके बाद 2005 आता है जब उस समय जीतते हैं नीलकंठ सिंह मुंडा, तब भी जो निकटतम प्रतिद्वंद्वी थे वो कांग्रेस के ही रोशन कुमार सुरीन थे। अभी तक जेएमएम की एंट्री उस तरह से नहीं हुई थी। 2000 और 2005 में जेएमएम खूंटी से लड़ते हुए दिखी भी नहीं। जेएमएम की एंट्री होती है 2009 में और एंट्री कराते हैं मसीह चरण मुंडा, जेएमएम कैंडिडेट के रूप में आते हैं और जबरदस्त मुकाबला करते हैं आते ही। और जब मैं ये रिकॉर्ड्स देख रहा था तो मैंने ये देखा कि अगर नीलकंठ सिंह मुंडा ने कभी संघर्ष किया है या कांटे का मुकाबला हुआ है तो ये 2009 में ही हुआ था जब मसीह चरण मुंडा जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और तब सिर्फ 436 वोट से नीलकंठ सिंह मुंडा जीतने में सफल रहे थे। नहीं तो आप देखिए 2000 में 7971 मतलब 8000, 2005 में 15700, 2014 में 21515 और 2019 में वो जीत और बड़ी हो गई 26327। तो ये बताता है कि एकमात्र जो संघर्ष हुआ 2009 में हुआ और मसीह चरण मुंडा तब जेएमएम के कैंडिडेट थे। और दिलचस्प ये है, एक खबर अभी हम लोगों के पास भी आई कि वहां पर खूंटी में एक प्रत्याशी ने हथकड़ी पहनकर नॉमिनेशन फाइल किया है, वो कोई और नहीं मसीह चरण मुंडा ही हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय आदिवासी मोर्चा से। वो जेएमएम ने उन्हें टिकट नहीं दिया है, वो भारतीय आदिवासी मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और वो आपको 2019 में भी चुनाव लड़ चुके हैं और उस वक्त भी वो चौथी पोजीशन पर थे और तब उन्होंने 7000 वोट के आसपास लाया था और 5.25% के आसपास जो है उन्हें वोट भी मिले थे। एक चीज और मैं देख रहा हूं कि चूंकि नीलकंठ सिंह मुंडा का प्रदर्शन यहां इतना बेहतर रहा है कि जेएमएम में कंसिस्टेंसी नहीं दिखी है। हर बार प्रत्याशी आपको अलग दिखता है। 2009 में मसीह चरण मुंडा, तो 2014 में जीदान होरो और फिर 2019 में सुशील पाहन और अब 2024 में
पहले स्नेहलता कंडुलना और फिर एक बार नॉमिनेशन करने से पहले ही उनको बदलकर रामसूरी मुंडा को टिकट दिया गया। सिंह मुंडा के तिलस्म को तोड़ने की पूरी कोशिश जेएमएम प्रत्याशी बदल बदल कर रही है लेकिन सफलता नहीं मिल रही। तो क्या लग रहा है कि इस बार वैसे समीकरण कुछ बैठ सकते हैं? अब ये देखना होगा, रामसूर्य मुंडा जो है जो 2019 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और तब वो झापा से चुनाव लड़ रहे थे, झारखंड पार्टी से, और तब जो उन्हें वोट आए थे वो आए थे 1385 वोट, 1% उन्हें वोट मिला था। तो क्योंकि अब भरोसा करने का मकसद, अब ये मतलब मकसद ये है कि जेएमएम को खुद पर भरोसा है कि पार्टी के वोट जब जुड़ेंगे तो वो बढ़ेगा, और एक इस उम्मीद में भी है यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कि 5 बार हो गए कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी होगी, हालांकि वो दिख नहीं रही है, पिछले 2 चुनाव से जीत का मार्जिन बढ़ ही रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ जो मुकाबला है वो दिखता तो है कि कांटे का हो सकता है, लेकिन हर बार बाजी जो है वो नीलकंठ सिंह मुंडा मारते रहे हैं। हालांकि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है तो यहां से 47,595 वोटों से कांग्रेस ने लीड किया है, तो ये एक बड़ी लीड है। अब क्या ये लीड बनी रहेगी, लेकिन ये वोट मिले कांग्रेस को, मैं इसलिए कह रहा था जब शुरुआत में मैं आ रहा था कि यहां पर कांग्रेस की पकड़ पास्ट में मजबूत रही है और 1995 तक जो है उसे लगातार जीत मिलते रही है, 7 बार उसने जीत हासिल की है, और जब हम सबसे ज्यादा जीतने वाले प्रत्याशियों की बात करते हैं तो नीलकंठ सिंह मुंडा 5 और फिर सुशीला केरकेट्टा की बात करते हैं, 3 बार उन्होंने ये सीट जीती है, और पिछली बार जब 2019 की मैं बात कर रहा हूँ तब जेवीएम के टिकट पर जो है दयामणि बारला चुनाव लड़ रही थी और उन्होंने भी 20,000 वोट आए थे। अब ये समझना इस बार पता चलेगा कि वो वोट दयामणि बारला के थे या जेवीएम के, क्योंकि अगर वो वोट जेवीएम का हुआ तो बीजेपी के 44.71% में जब 15.66% जुटेगा तो वो 60% से ज्यादा हो जाएगा, और अगर वो दयामणि बारला के वोट थे और वो अगर बीजेपी के विरोध में जाते हैं तब पिछली बार जो है 25% के आसपास जेएमएम को वोट आया था और उसमें जब 15% जुड़ेगा तो वो 40-41% के आसपास पहुंचेगा, तो अब ये पता करना मुश्किल है, अभी जब चुनाव होगा तो पता चलेगा। जेएलकेएम के प्रत्याशी क्या भूमिका में नजर आ रहे हैं, वो क्या वोट काट पाएंगे, वोट को अपनी तरफ कर पाएंगे, किसके लिए नुकसान किसके लिए फायदा? देखिए जो जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं वो इस प्रत्याशा में होंगे कि जो महतो वोटर्स हैं जो यहाँ 6% के आसपास हैं वो वोट उन्हें मिले, और इसके अलावा चूंकि यहाँ सारे ट्राइबल कैंडिडेट्स हैं तो उसमें से भी कुछ हिस्सा वो चाहेंगे कि उनके पास आए, और इसके अलावा जयराम के का जो जादू है उस पर उनका भरोसा होगा, लेकिन वो मुख्य मुकाबले में आ पाएंगे ये बताना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, जब चुनाव आगे बढ़ेगा तो कुछ पता चलेगा। जब समझिए कि दयामणि बारला के रहते मुकाबला आमने सामने की हो जाती है, हालांकि उन्होंने तीसरा कोण बनाया था, 15-15.5% वोट उन्हें आया था, तो ऐसे में देखिए मैं बराबर कह रहा हूं कि इस चुनाव में वही बात है कि जो लोकसभा चुनाव में था, मोदी रहेंगे या हटेंगे, इस विधानसभा में हेमंत रहेंगे या हटेंगे, उसी के लिए वोट होगा। जिन्हें हेमंत सोरेन को रखना है वो जेएमएम को वोट करेंगे, जिन्हें हटाना है तो वो विकल्प ढूंढेंगे तो वो बीजेपी दिखेगी तो वो बीजेपी को वोट करेंगे, ये बहुत सिंपल है। सीधे 2 कोण में अब मतदाता बटेंगे और उसी तरह से यहाँ वोटों का डिविजन होगा और उसी तरह से परिणाम भी आएंगे। ज्यादा जगहों पर यही होने वाला है, कुछ एक जगह जो है वो अपवाद होंगे, अब जैसे मैं डुमरे की बात कर लूं तो कुछ जगह तो अपवाद होंगे जो त्रिकोणीय मुकाबले होंगे, लेकिन ज्यादातर जगहों पर आपको आमने सामने की लड़ाई ही देखने को मिलेगी, और मुझे लगता है कि खूंटी में भी ऐसा ही होगा। चलिए एक और अब दिलचस्प सीट की बात कर लेते हैं खूंटी के साथ ही। अब खूंटी